अध्याय 8 नए संप्रदाय का उदय। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याचकों का एक बहुत बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। प्रेरितों के कार्य 6:7। अक्सर वेस्ली को मेथोडीस्टवाद के संस्थापक अथवा पिता की संज्ञा दी जाती है, परंतु सच्चाई यह है कि वह किसी नए संप्रदाय के पक्ष में नहीं थे। उनके जीवन काल में इंग्लैंड में ना तो कोई मेथोडिस्ट कलीसिया थी और ना इस कलीसिया का कोई सदस्य। वेस्ली स्वयं इंग्लैंड की एक सुस्थित कलीसिया के याचक थे और आजीवन उनकी यही मान्यता रही। उनकी यही इच्छा थी कि उनके समस्त अनुयायी भी उसी कलीसिया के सदस्य रहे। उन्होंने इस बात का भरसक प्रयास किया कि उनके प्रचारकों द्वारा संपन्न की जाने वाली आराधनाओं का समय कलीसिया की नियमित आराधनाओं से भिन्न हो। उनके निर्देश थे कि उनके प्रचारक अपने स्थानीय कलीसिया की आराधनाओं में उपस्थित रहे तथा फिर अपनी आराधना करें। परंतु वेस्ली के जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटी जो सुस्थित कलीसिया तथा मेथोडिस्ट विचारधारा के अनुयायियों के बीच मतभेद का कारण बन गई। अतः स्वाभाविक था कि वेस्ली की मृत्यु के तुरंत बाद कोई नई कलीसिया अस्तित्व में आई। किसी नई कलीसिया की स्थापना इतिहास में बार बार होने वाली घटना नहीं है। किसी समूह एवं वर्ग का प्रारंभ एवं संचालन एक सरल कार्य हो सकता है और अनेकों बार ऐसा होता रहा है, परंतु किसी ऐसी कलीसिया की स्थापना जो प्रचारकों को तैयार करे, अगुवाओं को भेजे, संस्थाओं की स्थापना करे तथा एक प्रेरणापूर्ण आत्मिक सामर्थ्य का स्रोत बन जाए, मात्र मनुष्य की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता का परिणाम नहीं है। निसंदेह यह परमेश्वर की अगुवाई एवं निर्देशन का परिणाम था कि वेस्ली की इच्छा बिना एक ऐसी कलीसिया का निर्माण एवं स्थापना हो जो आगे चलकर विश्व की एक विशाल प्रोटेस्टेंट कलीसिया का रूप धारण कर सके। वेस्ली अक्सर इस बात को स्पष्ट किया करते थे कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि किसी नए वर्ग अथवा पार्टी का संचालन किया जाए, परंतु वह यह अवश्य चाहते थे कि परमेश्वर की आराधना आत्मा एवं सच्चाई से की जाए। उन्होंने अपने समस्त अनुयायियों को यह निर्देश दिए थे कि वह अपने अपने स्थानों पर अपनी स्थानीय कलीसिया के सदस्य रहे तथा वहीं पर आराधना भी करे। किसी स्थान पर जहां वेस्ली की समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्य कलीसिया के पृथक हो जाने के लिए अत्यंत आतुर थे, उनकी कटु ताड़ना के शिकार बने। वेस्ली ने उन समस्त लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि आप चाहे तो आप सुस्थित कलीसिया में संपन्न होने वाली आराधनाओं के समय अपनी आराधनाएं कर सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में आप मुझसे किसी प्रकार का भी संबंध ना रखें। वेस्ली ने जहां तक भी संभव हुआ सुस्थित कलीसिया के अनुशासन एवं सिद्धांतों का पूर्ण पालन किया। वेस्ली का सुस्थित कलीसिया के अनुशासन से हटकर कार्य करने का प्रथम प्रयास उनके गिरजे की चार दीवारी के बाहर खुले में प्रचार करना था। यद्यपि इस संबंध में कोई ऐसा नियम नहीं था, परंतु इस कार्य से एक उदाहरण की स्थापना हो रही थी। खुले आकाश के नीचे अपनी प्रचार सभाओं में प्रचारक ने अब तात्कालीन मतलब उसी समय की जाने वाली प्रार्थनाओं को प्रचलित कर दिया था। याचकगण अब तक प्रार्थना पुस्तकों में लिखी प्रार्थनाओं का ही उपयोग करते थे। तात्कालीन की जाने वाली प्रार्थनाओं को असम्मानजनक समझा जाता था, परंतु वेस्ली को कुछ ऐसा आभास हुआ था कि पुस्तकों से पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाएं उन साधारण लोगों के हृदय को स्पर्श नहीं करती जो खुले आकाश के नीचे उनके संदेशों को सुनने के लिए एकत्र होते हैं। फलस्वरूप उनने तात्कालीन प्रार्थनाओं की प्रथा प्रारंभ कर दी। वेस्ली चाहते थे कि परमेश्वर को ग्रहण करके ये लोग इंग्लैंड की कलीसिया के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाए। उन्होंने इन विश्वासियों के लिए कलीसियाओं की स्थापना न कर समितियों का गठन किया। जो लोग इन समितियों के सदस्य बन गए थे वे इंग्लैंड की कलीसिया के सदस्यता रखते हो अथवा नहीं, परंतु इतना अवश्य था कि ये ऐसे स्त्री पुरुष थे जो ईश्वरी जीवन व्यतीत करते थे, साथ साथ प्रार्थना करते तथा एक दूसरे के साथ सहयोग कर अच्छा जीवन व्यतीत करने में सहायता देते थे। वेस्ली का नियम था कि अपनी समिति की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों को प्रचार के बाद थोड़े समय रोककर उन्हें समिति संबंधी नियमों की व्याख्या कर दे। वेस्ली का अधिकांश समय संगठित की गई समितियों के साथ संपर्क करने तथा सदस्यों के विशेष जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होता था। उन्होंने ऐसे लोगों को जिनका जीवन संतोषजनक नहीं था समितियों से निष्कासित करने में भी संकोच नहीं किया। कई बार समितियों से निष्कासित करने वाले लोगों की संख्या समिति में शेष सदस्यों से अधिक हो गई। वेस्ली का सदैव यही आग्रह था कि समिति के सदस्य अनुग्रह के समस्त साधनों का उपयोग करें। एक वर्ष बाद जब उन्हें नॉर्विच स्थित समिति का पुनः भेंट का अवसर मिला तो उन्हें पता चला कि वहां अनेक सदस्यों ने गिरजे जाना बंद कर दिया था तथा धार्मिक संस्कारों की उपेक्षा कर रहे थे। वेस्ली ने समिति के अगुवाओं से बातचीत की तथा प्रत्येक सदस्य के विषय में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की तथा उन सभी सदस्यों का नाम रजिस्टर से हटा दिया जिन्हें अगुवों की दृष्टि में समर्थन नहीं मिला था। 204 सदस्यों में से केवल 174 सदस्य ही शेष रहे। वेस्ली ने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार के नियमों का पालन होगा, भले ही सदस्यों की संख्या 50 ही क्यों न रह जाए। समितियों के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक समिति को समूह में विभक्त करने का विचार किया गया, जो मात्र एक संयोग ही था। ब्रिस्टल की समिति कर्ज में थी, अतः यह निर्णय किया गया कि समिति को 12 सदस्यों के समूह में बांटा जाए तथा प्रत्येक का अलग अगुवा नियुक्त हो। साथ ही प्रत्येक समूह को सप्ताह में एक निश्चित धनराशि के लिए उत्तरदायी बनाया गया। अनुभव से पता चला कि सदस्यों ने न केवल धन एकत्र करने पर ध्यान दिया परंतु अपने आत्मिक जीवन का भी ध्यान रखा। प्रत्येक समिति का अगुवा सार्वजनिक रूप से प्रत्येक सदस्य के जीवन के विषय में पूछताछ करता, आत्मिक जीवन में पिछड़े रहे सदस्यों को परामर्श देता, अच्छे सदस्यों की प्रशंसा करता तथा अन्य सदस्यों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करता रहता। नियमित उपस्थिति का ध्यान रखा जाता था। निरंतर अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को समिति से निष्कासित करने की व्यवस्था थी। इस प्रकार से कक्ष सभाओं का शुभारंभ हुआ, जो वेस्ली के अनुयायियों की निश्चित एवं तीव्र वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अनभिज्ञ व्यक्तियों से प्रचार का कार्य करवाना एक और महत्वपूर्ण कदम था। वेस्ली ने कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन प्रारंभ कर दिया था जो यात्रा करे, आराधनाओं का संचालन करे तथा धर्मशास्त्र की व्याख्या करे। वेस्ली यद्यपि यह स्वीकार करते थे कि प्रचार का कार्य केवल अभिषिक्त याचक द्वारा ही होना चाहिए, परंतु यह निर्णय करना कि किस स्थान पर धर्मशास्त्र की व्याख्या ने संदेश का रूप धारण कर लिया कठिन था। वेस्ली उस समय क्रिस्टल में थे जब उन्हें यह सूचना मिली कि उनके प्रथम सहयोगी मैकफील्ड प्रचार कर रहे थे। वह तुरंत लंदन पहुंचे ताकि इस प्रयास को रोक दे, परंतु उनकी मां ने उन्हें परामर्श दिया कि वह कोई निर्णय से पूर्व मैकफील्ड का प्रचार अवश्य सुन ले। उन्होंने कहा, वह भी तुम्हारे ही समान परमेश्वर का बुलाया हुआ जन है। वेस्ली ने प्रचार सुना। प्रचार प्रभावपूर्ण तथा रूपांतरण करने वाला था। वेस्ली ने अपने विचार को बदल दिया। जब वेस्ली को विश्वास हो गया कि परमेश्वर मैकफील्ड की तरह अन्य अनअभिषिक्त व्यक्तियों द्वारा अपना सेवा कार्य ले सकता था, तो उन्होंने ऐसे और लोगों की खोज प्रारंभ कर दी। परंतु कलीसिया के अनुशासन में जनधारणा में से निकले प्रचारकों को मान्यता न होने के कारण समस्याएं थी, परंतु लोगों का रूपांतरण हो रहा था, आत्माएं बच रही थी तथा परमेश्वर के अनुमोदन का यही प्रमाण था। इन समस्त लोगों का कोई निश्चित वेतन तय नहीं था, केवल यात्राओं में किए गए आवश्यक खर्चे दिए जाते थे। साथ ही इन लोगों से पैदल चलने की भी आशा की जाती थी। वेस्ली के नियम अत्यंत कठोर थे। इन लोगों को दिनचर्या में प्रातः 5 बजे से पूर्व उठना, प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार प्रचार करना, अध्ययन करना, लिखना तथा 6 बजे से दोपहर तक प्रार्थना करने के अतिरिक्त संध्या 5 बजे से 6 बजे तक परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति में रहना सम्मिलित था। वेस्ली बार बार इस बात पर बल डालते थे कि उनके प्रचारकों को चाहिए कि वे 24 घंटे में से कम 5 घंटे अध्ययन में लगाए। उनके संदेश छोटे तथा पूरी आराधना का समय 1 घंटे से अधिक ना हो तथा आराधना के काम में गीत, संदेश, प्रार्थना तथा अंतिम गीत सम्मिलित किया जाए। प्रातः तथा संध्या को प्रचार का अर्थ था कि 1 या 2 सप्ताह के लिए पर्याप्त संख्या में संदेश तैयार किए जाए। अतः वेस्ली ने अपने प्रचारकों को यह निर्देश दे रखे थे कि वे अधिक समय तक एक ही स्थान पर प्रचार कार्य ना करें, और यही कारण था कि जिसके फलस्वरूप उनके प्रचारक यात्राशील प्रचारक बन गए थे। प्रारंभ ही से मेथोडिस्ट कलीसिया ने जनसाधारण के प्रचार का व्यापक उपयोग किया था। कुछ आंकड़ों के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व विश्व में प्रत्येक मेथोडिस्ट प्रचारक के पास 10 जनसाधारण प्रचारक ले प्रीचर होते थे तथा रविवार को मेथोडिस्ट प्रचारक मंचों से प्रचार किए जाने वाले 7 संदेशों में से 6 संदेश ले प्रचारकों द्वारा प्रचार किए जाते थे। वेस्ली द्वारा किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों में गीतों का गाया जाना भी सम्मिलित था। एंग्लिकल कलीसिया में उस समय भजन संहिता की पुस्तक को गीत की पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जाता था तथा परमेश्वर के भवन में प्रयोग की दृष्टि से केवल यही एक मान्यता प्राप्त पुस्तक थी, परंतु यह गीत बाहरी प्रचार की दृष्टि से उतने उपयुक्त नहीं थे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर वेस्ली तथा उनके भाई चार्ल्स ने बाहर एकत्र होने वाले जनसमूह द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लिखना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि चार्ल्स वेस्ली ने लगभग 6000 गीत लिखे थे। वेस्ली भ्राताओं ने प्रत्येक वर्ष एक नई गीत की पुस्तक का प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया था और फलस्वरूप मेथोडिस्ट संप्रदाय के लोग एक गीत गाने वाली मंडली के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 5 वर्ष के निरंतर प्रचार के बाद वेस्ली ने अपने समस्त प्रचारकों के लिए एक सप्ताह के सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने वाले 6 याचक थे तथा अन्य 4 ले प्रचारक थे। सम्मेलन में अधिकतर समय इस बात का ध्यान किया गया कि प्रचारकों को क्या सिखलाना और प्रचार करना चाहिए। यह उनके लिए एक प्रकार की धर्म शिक्षा सिद्ध हुई और तब से वेस्ली ने इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष करने का नियमित रूप दे दिया और इस प्रकार से प्रचारकों की नियुक्ति तथा कलीसिया से संबंधित नियमों तथा नीतियों को निर्धारित करने वाले वार्षिक सम्मेलन की परंपरा स्थापित हो गई। इन तमाम वर्ष में चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग हो जाने की समस्या विवादास्पद बनी रही। वेस्ली के अनेक अनुयायी ऐसे थे जिन्होंने कभी भी अंग्रेजी चर्च की सदस्यता नहीं ली थी। इस कारण उसका कहीं स्वागत नहीं होता था तथा जहां उनका स्वागत होता भी था वहां वे जाना ठीक नहीं समझते थे। परंतु जॉन तथा चार्ल्स दोनों ही अंग्रेजी चर्च से अलग होने के पक्ष में समर्थन नहीं रखते थे। बार बार समितियों के वार्षिक सम्मेलनों में अलग होने का प्रश्न आता, परंतु वेस्ली सदा इसका विरोध करते रहते। अलग होने से संबंधित एक अन्य निर्णय मानव वेस्ली पर थोप दिया गया था। मेथोडिस्ट अनुयायियों से आग्रह किया जाता था कि वे पवित्र संस्कार में सम्मिलित हो, परंतु उनके पास अभिषिक्त याचकों का अभाव था। अक्सर वेस्ली को अपने ले प्रचारकों में से चयन कर उनको अभिषिक्त करना पड़ता था या फिर ले प्रचारकों को पवित्र संस्कार संपन्न करने की अनुमति देनी पड़ती थी। एंग्लिकल बिशप मेथोडिस्ट प्रचारकों को अभिषिक्त करने से कतराते थे। वेस्ली ने एक बार इस बात का प्रयास किया कि अपने एक बिशप मित्र से निवेदन करके अपने प्रचारक को अभिषिक्त कराकर अमेरिका भेजे, परंतु बिशप द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने पर उन्होंने स्वयं 3 प्रचारकों को अभिषेक कर अमेरिका भेजा। वेस्ली ने यह कदम समुचित प्रतीक्षा एवं प्रयास के बाद ही उठाया था। कार्य की प्रगति को देखकर वेस्ली ने यह अनुमान कर लिया था कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके अनुयायी एक स्वतंत्र कलीसिया की घोषणा कर देंगे, अतः उन्होंने अपने जीवन में एक संवैधानिक समिति का गठन कर उसे वार्षिक सम्मेलन, मेथोडिस्ट सेवा के क्षेत्र में प्रचारकों की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया था। इस समस्त घटनाओं के साथ वेस्ली ने कभी किसी समय भी नई कलीसिया को खड़ी करने का समर्थन नहीं किया था, परंतु अपने समर्थकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर वे उन्हें संगठित करने की आवश्यकता का अनुभव करने लगे थे। इसके अभाव में उनके समर्थकों के द्वारा अपने मार्ग पर लौट जाने का भय था। इस प्रयास में उन्हें एक के बाद दूसरे कदम उठाने पड़ रहे थे। खुले में प्रचार, तात्कालिक प्रार्थनाओं का प्रारंभ, ले व्यक्तियों द्वारा प्रचार गीतों का आराधना में प्रयोग, वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन, कक्ष सभाएं तथा प्रचारकों के अभिषेक का संस्कार जैसे कदम उठाना अब वेस्ली के लिए अत्यंत आवश्यक हो गए थे, क्योंकि स्थापित कलीसिया आत्माओं को बचाने में उतनी रुचि नहीं रखती थी। स्वाभाविक था कि प्रयासों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई समिति को एंग्लिकन कलीसिया का समर्थन नहीं मिल पाया था। वेस्ली जब तक जीवित रहे उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा अलग होने के प्रस्ताव का सदा विरोध किया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा पोषित कलीसिया स्वतः अस्तित्व में आ गई और तब से आज तक प्रगतिशील है।